हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है यशगौर और आज अगर आप लोगों ने रिसेंटली अपनी बाल बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है या आगे प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। यू मस्ट हैव अ गोल। पहले से एक जनरल आइडिया लेकर आ जाओ अपने माइंड में, गूगल करो। बाल बढ़ाते वक्त हमारे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, पर धीरे धीरे टाइम के साथ जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे अच्छे लगने लग जाते हैं। हाँ, किसी की कार्बन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम कार्बन कॉपी नहीं कर सकते, वो नहीं होगा। जो बाल आपके सिर पर अभी है वो आगे इन फ्यूचर 1 साल 2 साल 10 साल बाद तक यही रहने वाले, तो क्यों ना इनको अच्छे से रखा जाए केयर करके। सल्फेट और पैराबेन के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे कमर्शियल शैम्पूज में आते हैं, नेचुरल ऑयल को निकाल देती है पूरा। डोंट कलर एंड स्ट्रेटनिंग योर हेयर या फिर कर्लिंग कभी ट्राई मत करवाओ। जो आपके ओरिजिनल बाल है, जो आपके ओरिजिनल हेयर है, उन्हीं पे आपको उन्हीं को समझना पड़ेगा और उन्हीं से आपको कुछ अच्छा बेस्ट निकालना पड़ेगा। 2021 आ चुका है, ये टाइम है खुद की केयर करने का। आपके नेचुरल बालों का टेस्टर है, उसको मत बिगाड़ो। प्लीज डोंट अलाउ बाय द चीपेस्ट प्रोडक्ट, उनका सस्ता रहने का रीजन है। और अगर आप ये खराब प्रोडक्ट अपने बालों में डालोगे तो इससे आपके बाल खराब भी हो सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को दूसरे के ओपिनियन इतना सीरियसली नहीं लेने, अपने ही जो ओपिनियन है, जो आपका खुद का जो ओपिनियन है, उसी को सीरियसली लेना। जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपकी बात अच्छी लगे, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो लंबे बाल करने के लिए, अच्छा हुआ कि ये बातें मैंने मेरे दिल पे नहीं ली। अगर ये बातें मैं मेरे दिल पे ले लेता तो शायद आज मेरे बाल इतने बड़े नहीं होते, मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा होता। अच्छे से ध्यान रखे, डेली वॉश करे, ऑयल लगाए, रोज 5 मिनट के लिए सही, लेकिन 5 मिनट निकालो अपने बालों के लिए और उनको अच्छे से 5 मिनट ऑयल की मालिश करो। ये आप लोग मेरे बाल देख सकते हो, मेरे बाल नेचुरली कर्ली है। उसके साथ साथ ये एक रास्ता, कभी कभी गर्मियों में तंग देते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। बाकी बारिश आ चुकी है, सुबह से बारिश आ रही है और 3-4 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा है। वहाँ से पहाड़ दिखना बंद हो गए, इतनी ज्यादा छोटी छोटी बूंदे एकदम बारिश की वैसे आ रही है। मोक्ष चल रहा है आधा चले। मली मली, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं हाथ गंदे नहीं करना चाहता। देख, तूने मेरा पूरे गंदे कर दिए कपड़े। आज मैंने सोचा कि एक बालों की थोड़ा सा ज्ञान देके आप लोगों से, और उसके बाद मैं फार्म पे चला जाए, क्योंकि मौसम एक नंबर। देखो क्या मौसम हो रहा है यार। मोक्ष भी हमारे साथ। मोक्ष क्या कर रहा है तू? दांत की दूसरा एक, उसको देखो वो नीचे घूम रहा है आराम से। साउथ माता टेम्पल बादलों से छुपी हुई, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो घर पे आ चुका हूँ और चाय के मज़े लेते हुए मौसम के साथ हम वहाँ पे फार्म पे गए, फिर मैं वहाँ से आया। तो आज का रूटीन कुछ ऐसा ही था। वैसे तो मैं ट्रैकिंग में भी जा सकता हूँ सुबह सुबह, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बारिश होती है ना तो फिर गीला गीला ठंड और लगती है, ऊपर इतनी तेज हवा चलती है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल मैं इसी चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, सोच रहा हूँ मैं कल कुछ अच्छा कॉन्टेंट बनाने की। प्रॉब्लम ये होती है कि हम डेली ब्लॉग्स करते हैं ना, तो जो आपका जो माइंड है, जो क्रिएटिव आप करना चाहते हो, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि डेली आपको बस वीडियोस डालनी है। तो मेरा सिर्फ अभी ऐसा ही हो पा रहा है कि मैं बस वीडियो कुछ भी बना रहा हूँ और कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन सीख बहुत कुछ रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर। मैं जानता हूँ मैं डेली एडिट कर रहा हूँ, डेली वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो करने से आ रही है। तो 365 से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करूँगा। ये हमारे बच्चे खाना खाते हुए। तो आज की वीडियो का नाम यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता आप लोगों को क्या करना है। चाओ बोलो, चाओ बोलो, चाओ चाओ चाओ, जय बोले ना, बूम।